सो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आप सभी का। आज हम लोग एक और नए वीडियो के साथ यहाँ पे रेडी है। सो आज हम लोग गए हैं बाइकुला स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट्स की डिस्टेंस से दूर एक जू में, जहाँ पे कि मेरे फ्रेंड्स लोग गए थे एंड हम भी। सो यहाँ पे मैं आपको हर एक डिटेल्स देने वाला हूँ, कैसे आप जाओगे, क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे जस्ट टिकट्स 50 रुपीज़ पर पर्सन है चाइल्ड के लिए, एंड फैमिली के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है। आप गूगल से चेक इट आउट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बर्ड के यहाँ पे। यहाँ पे सार ऑल टाइप्स के बर्ड्स हैं, ए टू जेड जितने भी बर्ड्स हैं इधर सब लोग एक केज में रखे गए, एंड केज काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके लोग। जैसे आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, आपको एक बहुत प्यारा सा टर्टल का एक पूरा एक फैमिली देखने को मिलेगा, जो कि उसके जस्ट बाजू में ही है। यहाँ पे हर एक टाइप के टर्टल हैं, सी टर्टल से लेके आप जो कपे टर्टल रखते हो वो ए टू जेड टर्टल आपको मिलेंगे। एंड एक और चीज़ जो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, बट अभी आप वीडियो को इन्जॉय कीजिए। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं एक्वा बर्ड्स देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और प्यारे हैं, बट मुझे बर्ड फोबिया है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देखा। बट आप लोग ज़रूर से एंजॉय करना वीडियो को, एंड यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी दिए छोटे छोटे, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले, जो कि आपको नहीं पता है वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। एंड आप वीडियो को एंजॉय करो, मैं आपको हर एक चीज़ बोलता हूँ। भाई लोग, जिसका आपको बेसब्री से वेट था टाइगर, जो आपको मैं पूरा वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, वो आपको मैं मिडल पार्ट में दिखा रहा हूँ। सो गाइस, ये है टाइगर, एंड ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट यही करता है। एंड यहाँ पे इतना रश है, OMG, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी काफ़ी टाइट मिलेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश होने के कारण यहाँ पे सिक्योरिटी आपको जल्दी निकाल देती है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने सामानों का ध्यान रखो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान चोरी होने का डर रहता है। सो गाइस, उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए जीता एंड वो सब देखने के लिए, जो कि उसके जस्ट बाजू में यार। आपको यहाँ पर बहुत बड़ा एक मैप प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे फॉक्सेस है बट मुझे तो दिखा नहीं, बट वो कोने में सोया, अगर आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके तो आप देख लेना, वो एकदम झाड़ के कोने में सोया हुआ है।
कहा कि कुछ नॉर्मल वीडियोस है जो कि यहाँ पे केव्स है, बहुत सारे बैठने की जगह है एंड हर एक जगह में आपको पानी, पीने का पानी प्रोवाइड किया गया है। मतलब हर एक जगह में मशीन फिट किया गया है, जैसे कि किसी को अगर प्यास लगे तो उधर से वो पानी भर के पी सके। एंड वॉशरूम का भी फैसिलिटी अंदर दिया गया है, सो डोंट वरी। एंड अंदर खाने पीने की चीज़ें भी दिया गया, जैसे वाइल्ड कैफ़े एंड ऑल, हर एक चीज़ें वहाँ पर दिया गया है। बट आप अगर विज़िट करोगे तो प्लीज़ अपने ग्रुप के साथ अगर विजिट करोगे तो दो दो मेंबर को स्प्रेड कर देना इधर उधर, बहुत बड़ा ये। एंड इधर मुझे हिप्पो दिखे, पता नहीं आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे, उधर बैठे कोने में, मैं वीडियो को जूम करके आपको दिखाता हूँ। उधर हिप्पोपोटेमस है एंड इधर डियर एंड हिप्पो बहुत सारे हैं, आपको मैं वीडियो के आगे दिखा रहा हूँ। पेंगुइन देखने जो कि एकदम ठंडी जगह पर रहता है, आपको पता रहेगा, सो उसको इस जगह के अंदर रखा जाता है जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा है। सो अंदर जाने से पहले आपको मैं स्ट्रिक्टली बोल दूँ कि अंदर पेंगुइन्स का फोटो या फिर वीडियो खींचना अलग है, फिर भी हमने थोड़ा चुप चुप के खींचा है। आप जैसे देख सकते हो उधर पेंगुइन्स कितने अच्छे और कितने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका टेक केयर किया जाता है, डोंट वरी, हर एक चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। सो गाइस पेंगुइन क्या मस्त स्विमिंग करता है, सीरियसली।